निकला है। बातचीत हुई उनसे, जो उत्तर प्रदेश के जो मसले हैं उन पर बात हुई, यहाँ के बिजली के बढ़े हुए रेट के सवाल पर बात हुई, अधिग्रहण के नाम पे किसानों की फसलों को बर्बाद करने की बात हुई। उसने उन्हें आश्वासन दिया कि किसान की फसलें बर्बाद नहीं होगी। जो यहाँ पे MSP से नीचे किसी भी फसल की खरीद नहीं होगी, ये भी उन्होंने एक आश्वासन दिया है। और जो धान की जो कटाई जो होगी, किसान से एफिडेविट ये लेंगे कि जो किसान पराली नहीं जलाएगा, वो किसी भी औजार से अपनी फसल की कटिंग कर सकता है, उस पर कोई प्रतिबंध और पाबंद नहीं होगा। तो ये मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि किसान एफिडेविट दे दें और पराली ना जलाए। ठीक है, राजेश टिकैत जी, इन्हीं सब मुद्दे को लेकर आप 25 तारीख को अपना प्रदर्शन करने वाले थे, क्या वो होगा या आप उसको टालेंगे? प्रदर्शन तो पूरे देश के किसानों का प्रदर्शन है, ये भारत सरकार के खिलाफ है, न कि स्टेट गवर्नमेंट के। तो जो भारत में पूरे देश के किसान कर रहे हैं, उनके साथ में भारतीय किसान यूनियन उनके साथ में है, और वो प्रदर्शन पूर्ण रूप से भारत सरकार के अगेंस्ट में है, और 3 बिलों को लेके है। उस पर भारत सरकार से बातचीत, उम्मीद है कि उनसे बातचीत अब होगी, एक मैसेज उनके आ रहे हैं। तो किन किन सवालों पर बातचीत होगी, वो कब बात होगी, वो अब देखते हैं कि कब उनसे बात होगी। दूसरा सवाल ये है कि देश में MSP से नीचे पे फसलों की खरीद ना हो, यही एक क्लोज हम उनमें डलवाना चाहते हैं। तो अभी जो आप लोग के प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं, 25 तारीख को भी प्रदर्शन के लिए कॉल किया हुआ है, वो सब क्या जारी रहे? 25 तारीख में पूरे देश भर के किसानों का हुआ है, तो हम पूरे देश भर के किसानों के साथ में, क्योंकि वो यूपी के खिलाफ प्रदर्शन नहीं है, वो भारत सरकार के जो ये बिल आए हैं उसमें संशोधन के खिलाफ वो प्रदर्शन है, और वो पूरे देश के किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसी का ही भारतीय किसान की यूनियन की हिस्सा है, उसमें करीब 70 से ज़्यादा संगठन अभी शामिल है। एक आखिरी सवाल, कि जमीन अधिग्रहण, जो किसानों की जमीनों को अधिग्रहित किया जा रहा है, इसको लेकर आज क्या चर्चा हुई? उसमें ये हुई कि जो उसकी खड़ी फसल है, जो उस किसान ने मुआवजा ले लिया हो, लेकिन अगर उसने फसल बो रखी है तो फसल कटाई तक उसको टाइम मिलना चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी ने कहा कि खड़ी फसल नेशनल लॉस है और इस तरह की फसल नहीं कटनी चाहिए, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए और उसको टाइम मिलना चाहिए। किसान अपनी फसल को अपने उसमें डाल दें, गन्ना है तो शुगर फैक्ट्री या क्रेशर में उसको डाल सकता है, और धान की फसल हमारी 10-15 दिन फसल कट जाएगी, तो जब किसान खाली कर देगा तो उसमें कब जाएगी।